बड़ा धमाका हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में। देखिए कई दिनों से आपसी टकराव देखने को मिल रहा था। अब यूक्रेन में देखिए एक बड़ा धमाका हुआ है, खार्किव इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है, देशव्यापी आपातकाल की घोषणा यूक्रेन में हो चुकी है। यूक्रेन में देशव्यापी आपातकाल 30 दिन लागू रहेगा। यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल को मंजूरी भी दे दी। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है, आपातकाल को मंजूरी दे दी गई है। और देखिए पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ, यूक्रेन की राजधानी में धमाके हुए हैं, खार्किव इलाके में ये बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन की राजधानी है खार्किव, वहां पर बड़ा धमाका देखने को मिला है और सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी है। रशिया और यूक्रेन में जिस प्रकार से हमने कई दिनों से मामले को चढ़ते हुए देखा, अब उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर आप देख सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी में बम धमाके हुए हैं, खार्किव इलाके में बड़ा धमाका हुआ है, यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल को मंजूरी दे दिया। अभी देखिए पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत समाचार के स्क्रीन पे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस प्रकार देखिए धमाका हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवैस इस पे खबर पर जुड़ चुके हैं। अवैस, ये तस्वीरें जो हम भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं वो अपने आप में अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में आपसी टकराव की जो कहानी है हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और उसकी ये अहम तस्वीर। बिल्कुल, जिस चीज का अंदेशा जो है लगाया जा रहा है कि रूस जो है कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, और आज इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दी और उन्होंने अपनी सेना से कहा है कि वो यूक्रेन के अंदर जाएं, और यूक्रेन की सेना से उन्होंने कहा है कि वो अपने हथियारों को रख दें, जमीन पे रख दें, समर्पण कर दें और अपने घरों को चले जाएं, नहीं तो बहुत बुरे हालात जो हैं वो होते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जिस तरह की भी मानव त्रासदी होती है, जो हत्याएं होंगी उसके लिए सीधे तौर पर रूस जो है वो जिम्मेदार होगा और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो खुद करेंगे। अमेरिका और उनके जो सहयोगी दल यानी नाटो जो सेना है उनसे समन्वय कायम करेंगे और आगे की रणनीति के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल यूक्रेन के कई क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पे भारी बमबारी और रॉकेट जो है वो रशिया की तरफ से दागे जा रहे हैं। कई इलाकों से ये भी खबर आ रही है कि जो रशिया के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर रूसी केंद्र, रूस के जो टैंक हैं वो भी यूक्रेन के अंदर जो है अंदर जब अब एंट्री जो है वो कर रहे हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर, खासतौर से कीवी जो यूक्रेन की राजधानी है वहां के एयरपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो रशिया यानी रूस की जो सेना है वो कर रही है। आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई है, साथ ही साथ अगर रूस के यूक्रेन की अगर राजधानी खार्किव में इतना बड़ा धमाका हो रहा है, आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है, 7,000 फोर्स अपने उतार दिए हैं रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि भारी संख्या में जो है वो रूस के सेना जो है वो बॉर्डर पर मौजूद है और कभी भी हमला हो सकता है। आज जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि वो उन्होंने अपनी सेना को इजाजत दे दी है कि वो देश के बाहर जाकर हमला कर सके, उसके बाद से लगातार यूक्रेन के ऊपर रशिया की जो सेना है वो हमला कर रही है। कई शहर, खासतौर से सबसे पहले जो हमले किए गए हैं वो यूक्रेन के जो पोर्ट इलाके हैं जो रशिया के समुद्री इलाकों से जुड़े हुए हैं वहां पर सबसे पहले हमले किए गए हैं और उनके जो पोर्ट्स के ऊपर जो सेनाएं तैनात थी उनको तहस नहस करने की कोशिश जो है वो रशिया की तरफ से की गई है। साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि भारी नुकसान जो है वो यूक्रेन की नेवी, जो सेना है नेवी को जो है वो उठाना पड़ा है और काफी बड़ी संख्या में वहां पर सबसे पहले हमला किया गया है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश जो है वो रशिया की कहा जाए सेना की तरफ से की जा रही है। और दिस प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय